खबर सीमलवाड़ा से। आचार्य श्री के रजत संयम वर्ष 2021-22 महोत्सव पर सत सुरक्षा के पुनीत लक्ष्य को ध्यान में रखकर बड़ौदा डूंगरपुर हाईवे मार्ग पर लड्डू वितरण के साथ संतों की सुरक्षा का संदेश प्रचारित करने का कार्यक्रम तय योजना अनुसार अभूतपूर्व सफलता के साथ संपन्न हुआ। सुनील सागर युवा संघ पीठ और सह सहयोगी चित्री के संघ चित्री के संयुक्त तत्वाधान में धम्बोला में आयोजित कार्यक्रम में जागरूकता संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सीमलवाड़ा उपाधीक्षक रामेश्वर लाल चौहान, धम्बोला भैयालाल आंजना, श्री दिगंबर जैन समाज पीठ अध्यक्ष राजमल कोठारी, पीठ पंचायत उप सरपंच गोवर्धन डेचिया, अशोक भूता, पूरी युवा संघ पीठ टीम ने शिरकत की। CI भैयालाल आंजना ने कहा, जैन संतों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा तैयार है। संत देश की धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है। यातायात नियमों की जानकारी कर बताया, यातायात नियमों का पालन नहीं करने से कई परिवार उजड़ गए। ऐसे में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, हम नियमों का पालन करें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का जरूर उपयोग करें। शराब पीकर वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भामाशाह वीरेंद्र गोवाड़िया सागवाड़ा, सुनील गोवाड़िया सागवाड़ा, अमित गोवाड़िया सागवाड़ा, डॉक्टर निखिल जैन राज अपोलो डेंटल क्लिनिक पीठ, कल्पेश भूतान, मनोज कोठारी ने सहयोग किया। विपिन सेठ का आभार जताया, कार्यक्रम का बेहतर समन्वय किया। कार्यक्रम का संचालन विपिन सेठ चित्री और आभार आलोक शाह ने व्यक्त किया। आदरणीय सीआई साहब, कोठारी साहब, जैन समाज के सभी युवा साथी और प्रबुद्ध नागरिक बंधु, अब मुझे तो जब जस्ट पता चला कि ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो वास्तव में ये जो हमारे मुनि और जो संत है, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। इनकी सुरक्षा करना हमारा और अपन सबका परम दायित्व है। जहाँ भी मैं ऋषभदेव भी रहा, जो आपके जैन समाज की एक अग्रणी भूमिका और मेरे रग रग में बसी हुई, मेरी 3 पोस्टिंग ऋषभदेव में रह चुकी है। तो आप इस बारे में निश्चिंत रहे, जब भी आपके संत महाराज पधारे उस समय हमें हल्का सा इशारा करते हैं, उनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हम उनको गंतव्य स्थान पर बिना किसी विघ्न के पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और शेख साहब के आग्रह पर आपने जो ये जीवन रक्षा के लिए जो एक कवच कह सकते हैं इसको, यदि इन 5-7 नियमों का अपन पालन करते हैं तो ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आजकल इतनी पावर बाइक्स आने लग गई है, आप जानते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होती है, तो ये हेलमेट लगाना एक बहुत अनिवार्य है। तो इस प्रकार से कुछ जो ये पैम्पलेट्स है इसका वितरण करें, ताकि लोगों में जागरूकता है। समझदार लोग तो लगाते ही है, लेकिन ये अपना जो बेल्ट है पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की वजह से गए या नेग्लिजेंसी गए, किसी कारण से इसका यूज़ नहीं कर पाते। और आप रोजाना अखबार में पढ़ते हो कि इस डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला में 2-व्हीलर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, आपस में 2-व्हीलर से मरते हैं। तो ये जो जागरूकता अभियान है, इसकी सफलता तक आप पहुँचाएं, इसके लिए मैं आपका पूरे जैन समाज का साधुवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कोठारी साहब और जैन समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिक, कल डॉक्टर साहब आए थे मेरे पास थाने पे कि साहब हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। मुनि के प्रेरणा से लोगों में एक जागरूकता का संदेश देना चाहते हैं। तो मैंने जैन साहब का देखा, जैन साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लड्डू तो बांट ही रहे हो, लड्डू के साथ साथ कुछ एक जागरूकता का संदेश भी दे दो तो अच्छा रहेगा। तो आप लोगों ने हमारी बात मानी और एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे निवेदन पर आप लोगों ने बनाई। तो ये संदेश सुन के यदि कुछ लोग भी इसका लाभ लेते हैं और हम किसी के जीवन बचा सकते हैं, तो मेरा मानना है कि ये प्रोग्राम काफ़ी सार्थक होगा। तो आपने हमारी बात मानी, उसके लिए आपका सबका साधुवाद है। रही बात ये कि जैन संतों की सुरक्षा का विषय है, तो जहाँ कहीं हमारी जानकारी में आता है जेठ साहब, चाहे कोई बताता है तो भी और कोई नहीं बताता है तो भी, हम ऑटोमेटिक हमारे मतलब खुद के विवेक से उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराते हैं, चाहे पैदल करके चाहे वाहन से। ये हमारी प्रायोरिटी पे, इसलिए रही बात ये ट्राइबल बेल्ट है, कुछ चीज़ें हम बदल नहीं सकते, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारा प्रयास पूरा रहेगा, सारे संत देश की धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है, उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आज जो एक बहुत अच्छा संदेश हम देने जा रहे हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है कि इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। थैंक यू। खबर भारतवर्ष के लिए सीमलवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान से गुणवंत कलाल की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी
फैसला जनतंत्र का।